दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी के 24/7 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं धनराज प्रजापत। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी क्वेश्चन आंसर पार्ट 3। तो आइए शुरू करते हैं। परिणामित्र ट्रांसफार्मर, परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर का क्रोड सिलिकॉन स्टील का, सिलिकॉन इस्पात का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जया तरंग का आरएमएस मान कितना होता है? 0.707 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय वाहक बल यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स का मात्रक एम्पियर टर्न होता है, एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल फेज मोटरों में यूनिवर्सल मोटर विद्युत कर्षण यानी ट्रैक्शन के लिए सबसे उपयुक्त होती है। सिंगल फेज मोटरों में यूनिवर्सल मोटर विद्युत कर्षण के लिए यानी ट्रैक्शन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह विद्युत धारा जो नियत समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेती है, वह विद्युत धारा जो नियत समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेती है कौन सी धारा कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जलते हुए बल्ब के तंतु का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस सामान्यता होता है। आर्मेचर करंट में होने वाले परिवर्तनों को कम्यूटेशन कहते हैं। आर्मेचर करंट में होने वाले परिवर्तनों को कम्यूटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगर का प्रयोग इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। मेगर का प्रयोग इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य अतिभार अथवा लघुपतन की स्थिति में परिपथ को तोड़ने का होता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य अतिभार अथवा लघुपतन की स्थिति में परिपथ को तोड़ना होता है। अतिभार यानी ओवरलोड यानी लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट की स्थिति में क्या करना होता है? परिपथ को तोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर का उपयोग पावर फैक्टर को सुधारने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टील स्केल का अल्पतमांक एंड लीस्ट काउंट 0.5 mm होता है। स्टील स्केल का जो अल्पतमांक होता है 0.5 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू वायरिंग में स्विच को हमेशा लाइव वायर या फिर कह सकते हैं फेज वायर या कह सकते हैं जीवित तार पर लगाया जाता है। घरेलू वायरिंग में स्विच को हमेशा लाइव वायर, फेज वायर या जीवित तार पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक
बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्षण एंड ट्रैक्शन के लिए लोकोमोटिव में डीसी सीरीज मोटर प्रयोग की जाती है। कर्षण के लिए लोकोमोटिव में डीसी सीरीज मोटर प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीसी सप्लाई की आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है। दोस्तों डीसी सप्लाई की जो आवृत्ति होती है कितनी होती है? 0 हर्ट्ज, उसमें कोई फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति नहीं होती है। जबकि एसी सप्लाई की जो भारत में आवृत्ति निर्धारित है वो कितनी है? 50 हर्ट्ज। जबकि एसी सप्लाई की आवृत्ति भारत में जो निश्चित है वो कितनी है? 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिले एक चुंबकीय प्रचालित क्या है? स्विच। रिले एक चुंबकीय प्रचालित स्विच है। रिले क्या है? एक चुंबकीय प्रचालित स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो ध्रुव एंड टू पोल और 50 हर्ट्ज तुल्यकालिक मोटर की गति कितनी होगी? 3000 RPM। यदि किसी मोटर में दो पोल है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर वो चल रही है तो तुल्यकालिक मोटर की गति कितनी होगी? 3000 RPM यानी 3000 राउंड पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वैद्युत सिग्नल को तरंग रूप में साथ साथ देखने के लिए काम में आने वाला यंत्र कौन सा होता है? ओसिलोग्राफ। किसी वैद्युत सिग्नल को तरंग रूप में साथ साथ देखने के लिए काम में आने वाला यंत्र ओसिलोग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी अंगूठी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। तो दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो तर्जनी उंगली होती है वो किसको दर्शाती है? चुंबकीय क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे में एसी ट्रैक्शन में प्रयुक्त होने वाला वोल्टेज कितना होता है? 25,000। भारतीय रेलवे में एसी ट्रैक्शन में प्रयुक्त होने वाला वोल्टेज कितना होता है? 25,000 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तापमान वृद्धि के साथ यानी तापमान बढ़ने के साथ कार्बन का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। जैसे जैसे कार्बन के तापमान में वृद्धि होती जाती है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक हेक्सा ब्लेड होती है वो आगे की ओर चल रहे स्ट्रोक पर वस्तु को क्या करता है? काटता है। एक हेक्सा ब्लेड जो होता है आगे की ओर स्ट्रोक पर वस्तु को काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्ट्ज आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का मात्रक HZ होता है। क्या होता है? हर्ट्ज आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।